नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और ये है आज की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार ने दिए बाबा रामदेव की पुत्रजीविक बूटी की जांच के आदेश। केंद्र की मोदी सरकार ने रामदेव की पुत्रजीविक बूटी की जांच के आदेश उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की विवादास्पद दवा दिव्य पुत्रजीविक बीज और पुत्रजीविक शिवलिंगी सीड पर जांच शुरू करवा दी है। रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पुत्रजीविक बीज दवा की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक टीम बनाई है। यह जांच टीम एक हफ्ते में रामदेव की दवाई पर अपनी रिपोर्ट देगी। गौरतलब है कि रामदेव की विवादास्पद पुत्रजीविक दवा को लेकर जनता दल से राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने संसद में इस मामले को उठाया था। त्यागी ने आरोप लगाए थे कि इस दवा को पुत्र पैदा करने वाली दवा बताकर बेचा जा रहा है। हालांकि इस विवाद पर बाबा रामदेव का दावा था कि यह दवा निसंतान दंपतियों को दी जाती है और इसका पुत्र पैदा होने से कोई संबंध नहीं है। मुशर्रफ ने किया कारगिल युद्ध पर नया खुलासा। कारगिल युद्ध के बारे में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने उस समय भारत को मुसीबत में डाल दिया था और इसे भारत कभी नहीं भूल सकता। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना शामिल नहीं थी, लेकिन इसकी पोल वहां के कई राजनेताओं ने खोल दी थी। पाकिस्तान ने उस दौरान अपने सैनिकों के शव लेने से भी इनकार कर दिया था। मुशर्रफ ने 1999 के कारगिल युद्ध की योजना बनाई थी और उन्होंने 9 साल पाकिस्तान पर राज किया। अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक समारोह को संबोधित करते हुए मुशर्रफ ने कहा, वहाँ एक दूसरी पंक्ति का बल भी था जिसने भारत को मुसीबत में डाल दिया था, बाद में उसे सेना का दर्जा दे दिया गया। मुशर्रफ ने कहा कि हम कारगिल में 4 स्थानों से घुसे थे और इस बारे में भारत अनजान था। मंगोलिया को भारत देगा $1 अरब का ऋण। भारत ने मंगोलिया को उसके बुनियादी ढांचा विकास में सहयोग के लिए $1 अरब की ऋण सुविधा की घोषणा की। वहीं दोनों देशों के बीच अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। मंगोलिया की यात्रा के दौरान मोदी ने मेजबान प्रधानमंत्री चीमेत साइखानबिलेग के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया। मोदी मंगोलिया की यात्रा पर आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।